हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीआईएस किसे कहते हैं। जीआईएस एक एब्रीवेशन है जो यूज किया जाता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्पेशल इंफॉर्मेशन या फिर ज्योग्राफिकल डेटा किसे कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक स्पेशल तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी फीचर को या किसी इवेंट को अर्थ की सरफेस के ऊपर लोकेट करने के काम में आती है। तो यदि आपका इवेंट या आपका फीचर पॉइंट तरह का है, पॉइंट सोर्स के फॉर्मेट में है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पोल है या ट्री है, तो आप उसे पॉइंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका फीचर लीनियर है, जैसे कि रोड है, तो आप उसे लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका फीचर पॉलीगन है या किसी तरह की बाउंड्री को कैरी करता है, जैसे कि सिटी या कोई रिवर बेसिन, तो आप उसे पॉलीगन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टोग्राफिकली स्पेशियल डेटा को बंच ऑफ कोऑर्डिनेट्स और टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, पर ज्योग्राफिकल डेटा कभी भी अकेला नहीं रहता। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं और जीआईएस के थ्रू उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्योग्राफिकल डेटा के साथ उसका टाइम, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन, जिसे कि हम एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ये भी पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यदि हम किसी सिटी के लिए डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें सिटी की बाउंड्री के साथ साथ डिजास्टर कब आया, कितने नंबर ऑफ द पीपल इंजर्ड हैं, कितना अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ है, इस तरह की अदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अब समझते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस किसे कहते हैं। तो जीआईएस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ज्योग्राफिकल डेटा, टेम्पोरल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसे एफिशिएंटली स्टोर करता है, मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और यूजर के सामने मैप के फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। मार्केट में बहुत से कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स जैसे कि इसरी का आर्क जीआईएस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि क्वांटम जीआईएस या क्यूजीआईएस अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीआईएस के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और यदि आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Thank you so much.